Students, this is Ajit Singh from AJVS International School, Chika. Today, we are going to read 12th chapter of your SST book. The name of the chapter is Transportation. So, in this chapter, we learn about need for transport, means of transport. So, transportation. Transportation का मतलब होता है यातायात. यातायात मतलब जिस पे हम बैठ के एक जगह पर दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. तो इसमें हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमें जो ट्रांसपोर्ट की क्यों ज़रूरत है और इसके यातायात के साधन कौन से हैं. तो लेट अस रीड द चैप्टर. इन एनिशियंट टाइम मैन ट्रैवल्ड ऑन फूट एंड कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस वॉकिंग. तो जो पुराने टाइम में जो आदमी थे वो पैदल चलते थे और लंबे लंबे जो डिस्टेंस थे वो पैदल चलकर ही कवर करते थे. समटाइम्स इट टूक हिम मंथ्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन. तो पहले आदमी को अपनी जो मंजिल तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे. देन द इन्वेंशन ऑफ द व्हील टूक प्लेस व्हिच ब्रॉट अबाउट अ मेजर डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तब खोज हुई पहिए की, जो कि एक बहुत बड़ा विकास लेके आई यातायात के साधन में. कार्स वर मेड दैट मेड ट्रांसपोर्टेशन अ लॉट ईजियर. तो कार्ट्स जो थे वो बनाए जाने लग गए. ये कार्ट हैं, ठीक है, जिसे बैलगाड़ी जो कहते हैं, और कार्ट्स जो है वो बनाए जाने लग गए, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन था और भी आसान हो गया. टुडे ऑलमोस्ट ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार्स, बसेस, रिक्शा एंड इवन एरोप्लेन्स एंड शिप्स रन ऑन व्हील्स. आज जो है लगभग सभी यातायात के साधन, चाहे वो कार है, बसेस हैं, रिक्शा हैं या एरोप्लेन्स हैं या शिप्स हैं, वो सभी पहियों पे चलते हैं. Another major development was the invention of the steam engine by James Watt. दूसरी जो महत्वपूर्ण विकास था वो थी James Watt के द्वारा खोजा गया steam engine. It was basically a heat engine that performs mechanical work using steam. ये आधारित था हीट इंजन पे, जो कि मैकेनिकल जो काम था स्टीम को यूज़ करके, स्टीम मतलब भाप को यूज़ करके ये मैकेनिकल काम इस इंजन से लिया जाता था. नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, तो हमें ट्रांसपोर्ट की क्यों ज़रूरत है. टेक फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल है, एक उदाहरण के लिए, इफ़ यू आर फ्रॉम चेन्नई एंड स्टडिंग इन दिल्ली, हाउ डू यू गो होम ड्यूरिंग वेकेशन. उदाहरण के लिए, अगर आप चेन्नई से बिलोंग करते हो और आप पढ़ते हो दिल्ली में, तो आप अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कैसे घर जाएंगे. डू यू वॉक टू चेन्नई, क्या आप कहते पैदल चलकर चेन्नई जाएंगे, और डू यू टेक अ ट्रेन और अ फ्लाइट. तो क्या या आप ट्रेन पकड़ेंगे या आप फ्लाइट लेंगे, एरोप्लेन बाय एयर मूव करेंगे. सिंस चेन्नई इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, यू वुड ईदर टेक अ ट्रेन और फ्लाइट. इसलिए जो चेन्नई है वो, क्योंकि जो चेन्नई है वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर, अभी 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप पकड़ो या तो ट्रेन पकड़ोगे आप या फ्लाइट लोगे. मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. जो यातायात के साधन हैं वो लंबे जो डिस्टेंस है, लंबी जो दूरियां हैं, उनको कवर करने के में सहायक होते हैं. इट नॉट ओनली टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट आल्सो कैरीज गुड्स एंड कार्गोस टू वेरियस सिटीज अक्रॉस द आउटसाइड द कंट्री. तो ये सिर्फ लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाता, बल्कि जो चीज़ें हो गई, गुड्स हो गई, फैक्ट्रीज से बनी हुई चीज़ें हो गई या कार्गोज हो गए, बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं, वो कंट्रीज़ के अलग अलग शहरों तक पहुंचाते हैं. जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज सेंड आउट देयर गुड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रांसपोर्ट. जो इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो फैक्ट्रीज़ हो गई, जो अपनी जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, वो संसार के अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही चीज़ें पहुंचाती हैं.
अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि यातायात के कौन कौन से साधन हैं। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग तरह के यातायात के साधन हैं आज। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स बेस्ड ऑन वेयर दे हैव वेयर दे ट्रैवल। तो ये जो है इनकी जिस बेस पे जहाँ जहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं उसके बेस पे इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ टू टाइप्स, रोडवेज एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट भी आगे टू टाइप्स में है, रोडवेज और रेलवेज। अब हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज के बारे में। रोडवेज आर द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। जो रोडवेज हैं वो हर एक कंट्री में, लगभग सभी कंट्री में सबसे महत्वपूर्ण यातायात का साधन है। दे आर नॉट कनेक्ट मेजर सिटीज एंड टाउन्स बट ऑल्सो कनेक्ट रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। ये सिर्फ जो मुख्य शहर हैं या टाउन्स हैं उन्हीं को एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ती, बल्कि ये जो देश के जो रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज मतलब दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ वो भी उन प्लेसेस को भी एक कंट्रीज़ के से जोड़ती हैं। देयर आर वाइड मल्टी लेन रोड्स दैट कनेक्ट स्टेट्स। कई चौड़े जो हैं अलग एक ही लेन में भी, मतलब काफ़ी एक ही रोड में काफ़ी लेन्स होती हैं वो उनके साथ जुड़े हैं जो कि स्टेट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। दीज आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज, इनको हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। इंडिया हैज़ मैनी सच रोड्स, इंडिया में ऐसे कई रोड्स हैं। देयर आर अदर रोड्स लाइक द एक्सप्रेस वे एंड फ्री वेज दैट हेल्प इन ईजी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। तो कई तरह के जो ताकि जो ट्रैफिक है वो बड़ी इजीली मूव कर सके, तो हमारे पास हमारे इंडिया में एक्सप्रेसवेज हैं, फ्रीवेज हैं। रोड्स नॉट ओनली रन अक्रॉस वन कंट्री बट आल्सो कनेक्ट टू कंट्रीज। रोड सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं होते बल्कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ भी जोड़ती हैं। सच रोड्स आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवेज। तो ऐसे रोड्स जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ते हैं उनको हम इंटरनेशनल हाईवेज कहते हैं। देयर आर मैनी रोड्स दैट कनेक्ट इंडिया विद अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ऐसे इंटरनेशनल रोड्स जो इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ के साथ जोड़ते हैं वो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश। तो ऐसे इंटरनेशनल जो हाईवेज हमारे इंडिया में भी हैं। अब हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में। रेलवेज बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। तो रेलवेज जो थे वो स्टीम इंजन की खोज से स्टीम इंजन की खोज से शुरू हुआ। रेलवेज आर एन अफोर्डेबल मीन्स बोथ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रैवलिंग। तो जो रेलवेज हैं बहुत ही अफोर्डेबल यातायात का साधन है, मतलब इस पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होते, ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसमें। अगर ट्रैवल करें तो इसमें हम गुड्स भी, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं, इसमें हम ट्रैवल भी कर सकते हैं। देयर डेवलपमेंट हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर इनकी देश में इनकी डेवलपमेंट होती है, अगर इनका विकास होता है तो इससे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी ग्रोथ होती है। Nowadays railways run on diesel and electricity and connect almost every part of the country. आजकल जो है हमारी रेलवेज जो है वो डीजल पे या इलेक्ट्रिसिटी पे से चलती हैं और ये लगभग इंडिया के हर एक पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंडियन रेलवे है वो एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है और वर्ल्ड में अगर कहें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है। इंडिया ऑल्सो हैज़ हेरिटेज ट्रेन्स लाइक द टॉय ट्रेन इन दार्जिलिंग विच ऑफर्स एन एक्सपीरियंस ऑफ सीनिक ब्यूटी थ्रू आउट इट्स राइड। तो इंडिया में एक कई तरह की हेरिटेज जो ट्रेन्स हैं
ठीक है, वो भी है। जैसे कि टॉय ट्रेन है दार्जिलिंग में, जो कि वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी ब्यूटी है, वहाँ की जो दार्शनिक जो सुंदरता है वो दिखाती है। उस पर अगर हम राइड करते हैं, द लग्जरी ट्रेन्स लाइक द पैलेस ऑन व्हील्स जर्नी थ्रू डिफरेंट स्टेट्स गिविंग यू अ टेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो एक लग्जरी ट्रेन है जिसको पैलेस ऑन व्हील कहते हैं, व्हील्स कहते हैं। ये ऐसी जर्नी है जो अलग अलग स्टेट्स जो है इंडियन स्टेट्स में ट्रैवल करती हैं और इंडियन की जो भारतीय संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। चाइना, जापान एंड जर्मनी हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड। तो जो अगर हम संसार की बात करते हैं, संसार की सबसे तेज ट्रेन्स की बात करते हैं, वो हम चाइना, जापान और जर्मनी में पाई जाती हैं। दे रन एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 350 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी फास्ट है कि इनकी जो स्पीड है वो 350 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 350 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है, इतनी फास्ट ट्रेन है। अब हम पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में। In an ancient time, people tied logs of wood together and made rafts that could float on water. पुराने टाइम में जब लोग थे वो लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे होते थे वो इनको एक साथ बांध देते थे, एक राफ्ट बना लेते थे जो कि पानी में तैर सकती थी। They steered the raft with the help of a long strong piece of wood. वो उस राफ्ट को एक लंबे लकड़ी के डंडे के साथ वो मूव करते थे। As time passed, they made simple boats. जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने जो सिंपल बोट्स थी वो बनानी शुरू कर दी। दीज बोट्स देन हैड इंजन फिटेड इन टू दैम। बाद में जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इन बोट्स में इंजन फिट कर दिया गया। द बोट्स वर देन मेड इन टू ships दैट ट्रेवल्ड ऑन वाटर विद द हेल्प ऑफ एन इंजन दैट यूज डीजल और स्टीम। तो फिर बोट्स जो थे इनको कन्वर्ट बड़ी ships बनाई गई, इनमें जो इंजन था वो भी अपना फिट कर दिया गया जो कि डीजल या स्टीम के साथ चलता था। नाउडेज शिप आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आज अगर हम कहें तो आज जो शिप्स हैं वो सबसे लार्जेस्ट और चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दे नॉट ओनली कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ चीज़ों को ही एक जगह पे दूसरी जगह पर ले जाने के लिए लाभदायक नहीं है बल्कि ये एक एंटरटेनमेंट का साधन भी बन चुका है। पीपल गो ऑन क्रूज ड्यूरिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज पे जो क्रूज पे जाते हैं लोग। इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6,000 किलोमीटर। जो इंडिया की कोस्ट लाइन किसे कहते हैं, जो समुद्र के किनारे की जो एरिया होता है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 6,000 किलोमीटर है। तो इट्स मेजर पोर्ट्स आर विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड मुंबई। इनके जो पोर्ट्स, जो मुख्य जो बंदरगाहें हैं जहाँ पर समुद्री जहाज आके अपना लंगर डालते हैं वो हैं विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई। दीज पोर्ट्स आर वेल कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये जो पोर्ट्स हैं वर्ल्ड में, जो संसार में दूसरी बंदरगाहों से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे एयरवेज के बारे में। द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रैवल बाय एयर वॉज व्हेन द राइट ब्रदर्स फ्लू द फ्लायर इन 1903। तो सबसे पहली जो सक्सेसफुल ट्रैवल थी जो कि एयर के थ्रू की गई, ठीक है, राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने एरोप्लेन का की इन्वेंशन की। उस एरोप्लेन का नाम था द फ्लायर और ये उन्होंने कब की, 1903 में। इट वॉज अ वेरी बेसिक मॉडल ऑफ द प्रेजेंट डे एरोप्लेन। ये सबसे बेसिक, सबसे पहले तैयार किया गया एरोप्लेन था। नाउ डेज एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पर आजकल जो एरोप्लेन्स हैं वो सबसे तेज और सबसे महंगा जो है वो यातायात का साधन है। दे कैन कैरी मोर देन 400 पीपल एंड कार्गो। वो 400 से ये जो एरोप्लेन्स हैं आज कल जो हैं ये 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कैरी कर सकते हैं और कंटेनर जो हैं कार्गो वगैरह जो हैं उनको कैरी कर सकते हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 100 एयरपोर्ट्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 100 से ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स
हैं। द एयरलाइन नेटवर्क कनेक्ट सिटीज़ इन इंडिया एंड इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो एयरलाइंस होती हैं ये इंडिया की जो मेन सिटीज़ है एक दूसरे के साथ जोड़ती है और इंडिया को वर्ल्ड की दूसरे देशों के साथ जोड़ते हैं। तो दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। द बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर विल बी सून सेंट व्हेन यू विल वॉच दिस आफ्टर you watching this less this explanation I will send you the question answer and the book work of the chapter. Thank you students, have a nice day.